ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଦେଶ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେହି ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ଭାରତ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ କମଳାପତି ତ୍ରିପାଠୀ। 1905 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2 ଥର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ଦେଶବାସୀ ଏହି ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଆଜ କେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଔର ତତ୍କାଳୀନ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ମେ 1920 ମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1930 ମେ ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ଔର 1942 ମେ ଭାରତ ଛୋଡ଼ୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ମେ ହିସ୍ସା ଲିଆ, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। कमलापति त्रिपाठी को संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया और उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इंडिया दैट इज भारत को संशोधित करने को लेकर दिए अपने भाषण के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका कहना था कि अच्छा होता यदि संविधान सभा देश की प्रतिष्ठा और परंपरा के अनुरूप इस वाक्य को संशोधित करती। स्वतंत्रता के बाद कमलापति त्रिपाठी ने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे 1969 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और 1971 में मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 साल तक ही चला। उसके बाद वो 2 बार रेल मंत्री भी रहे। त्रिपाठी बेहद विनम्र, प्रतिष्ठित और सिद्धांतवादी राजनेता थे। पत्रकारिता और हिंदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और समर्पित। वे पत्रकारिता को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने के पक्षधर थे। 1945 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे 1947 से 1948 तक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। बापू और भारत, बापू और मानवता तथा फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड सहित कमलापति के महत्वपूर्ण कार्य इस बात का प्रमाण है कि उन्हें गांधी जी से कितना अधिक प्रेम था। पंडित कमलापति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक थे। पारंपरिक प्रतिबद्धताओं को अक्षुण रखते हुए आधुनिक युग की तेजी से बदलती स्थितियों के साथ जुड़े रहने की उनकी अनूठी खूबी बहुत प्रसिद्ध है। उनका व्यक्तित्व धार्मिक विश्वासों और धर्मनिरपेक्षता का संतुलन और संगम था। वे जन नेता थे और जाति या धर्म पर विचार किए बिना सबके साथ समान व्यवहार करने पर विश्वास रखते थे। सच्चे राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी नेता, विकास पुरुष और जनोन्मुखी राजनेता के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाएगा।